हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। आज हम देख लेते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11/1/2021 को। एम्स जोधपुर द्वारा जो पोस्ट रिलीज की गई है रिसर्च नर्स की, यह सिर्फ एक ही पोस्ट रहेगी। युवा कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स। 30 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन रहेगी एम्स जोधपुर। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डिज़ायरेबल कंडीशन रखी गई है, दैट इज़ कैंडिडेट शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उन्हें रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए। नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड ये जॉब निकाली गई है। ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी, इसके लिए इनिशियल रिक्रूटमेंट फॉर 4 मंथ। ये जो रिक्रूटमेंट है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी 4 मंथ के, और इसका जो फ्यूचर में एक्सटेंड भी हो सकती है। किस फ्यूचर में एक्सटेंड हो सकती है, परफॉर्मेंस बेसिस पे या फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो की ड्यूरेशन एक्सटेंड हो सकती है। जो सैलरी रहेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ रहेगी। इसमें आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ईमेल के द्वारा सेंड करना है। जो ऑफिशियल साइट है एम्स की, उस पर मेल करना है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टिल बिफोर 30 जनवरी। 30 जनवरी 2021 के पहले पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो इसमें मेल करना है। इस आईडी पर recruitment.researchaims@gmail.com आप इस ईमेल आईडी पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सेंड करना है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी गई हैं इसमें, ये आप देख लीजिएगा इसमें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, पूरा कंप्लीट भरना है। इसमें एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करके उस मेल पर सेंड करना है। और इसमें जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे, सरकार का TA और DA पे नहीं किया जाएगा, आपको अपने ही खर्चे पे जाना रहेगा। और कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं, यदि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं तो आप सारे टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसका जो एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट डेट और ये सारी जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया गया है इन सबको फिल करके, आपका फोटोग्राफ पेस्ट करके, और आपको इस फॉर्म को पूरा जो हमने ईमेल आईडी आपको बताई थी उस ईमेल आईडी पर आपको इसे सेंड करना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।